है कि इंडो नेपाल सीमा पर पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर प्रखंड में बाल विवाह, दहेज प्रथा और शराब से लोगों ने तौबा कर ली है। सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली एसएसबी ने बघा के नौरंगिया और गोबरहिया इलाकों में सामाजिक चेतना के जरिए परिवर्तन की मुहिम शुरू की है। ये आयोजन उसी मुहिम का एक हिस्सा है जिसके जरिए समाज में बाल विवाह, दहेज प्रथा और शराब पीने जैसी बुरी आदतों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, एसएसबी के जवान ग्रामीणों की हर उस सुविधा का ध्यान रख रहे हैं जिसकी उन्हें जरूरत है, चाहे स्वास्थ्य की बात हो या फिर शिक्षा या फिर रोजगार के लिए प्रशिक्षण की बात। बॉर्डर गार्डिंग के साथ साथ हमारा ये भी जिम्मेवारी है कि हम जो बॉर्डर के इलाकों में जो ज्यादा पिछड़े हुए जहां इलाके हैं, लोगों का वहां पर जो है वो कल्याण के कई कार्यक्रम चलाएं, साथ ही साथ उनको आत्मनिर्भर करने के लिए हम बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं जैसे बच्चों के कंप्यूटर क्लासेस वगैरह हैं। एसएसबी ने ग्रामीणों के विश्वास को अपना माध्यम बनाया है और सरकार की सोच से लोगों के दिलों में बदलाव लाई है। यही वजह है कि एसएसबी की पहल को क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से लेकर ग्रामीण तक सराह रहे हैं। समाज में अच्छा चेतना जाएगा, अच्छा संदेश जाएगा, बच्चों को पढ़ना चाहिए। पढ़ाई एक ऐसा व्यवस्था है जिससे आप समाज का दिशा, घर का दिशा या गांव का दिशा चेंज कर सकते हैं। तो सारा फोकस यहां पढ़ाई लिखाई और बच्चों पे है और समाज में अच्छा रीति रिवाज हो, अपनी राष्ट्र के प्रति अच्छी समर्पण हो, कार्यक्रम के माध्यम से संदेश जाएगा और बड़ी अच्छा संदेश है। दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसे गांवों में सीएम नीतीश कुमार की सोच और सरकारी स्तर पर हो रहे विकास कार्यों का असर दिखने लगा है। अब इन गांवों में बेटियों को शिक्षित करने का काम किया जा रहा है और शराबबंदी का भी असर देखने को मिल रहा है। इमरान अजीज, जी मीडिया, बगहा।